Hello student, today we read disease causing microbes in plant. In our previous video we read harmful jo microbes yani jo apne first video mein apan harmful microbes ke bare mein baat ki thi usme apan ne jo human ke andar kaun kaun se jo disease cause hote hain unke bare mein apan discussion kiya tha. Abhi is topic pe apan baat karenge disease causing microbes in plant yani plant ke andar kaun kaun se jo disease causes karte hain. Theek hai, to jo several microbes hote hain ye kya karte hain plant ke andar bhi kuch disease cause karte hain. फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन बात करें वीट है, शुगर कैन है, ऑरेंज है, एप्पल है, एक्सेट्रा, इन सभी जो ये माइक्रोजन क्या करते हैं कुछ डिजीज़ कॉज करते हैं. तो इनमें से जो आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ठीक है, इसमें तीन पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे. तो नंबर वन इज सिट्रस कैंकर, ठीक है ना, दिस डिजीज़ कॉज बाय बैक्टीरिया, ठीक है, एंड इट्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर बॉन्ड, यानी ये जो डिजीज है एयर बॉन्ड डिजीज़ है, ठीक है. नंबर टू बात करते हैं रस्ट ऑफ वीट, दिस डिजीज कॉज बाय फंजाई एंड इट्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर एंड सीड, यानी जो ये एयर बॉन्ड डिजीज और सीड बॉन्ड दोनों के थ्रू ये डिजीज हो सकती है प्लांट के अंदर. नंबर थर्ड येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी, ठीक है, दिस डिजीज कॉज बाय वायरस, यानी ये जो डिजीज है किसके द्वारा कॉज हो रही है, वायरस के थ्रू कॉज हो रही है. और इसमें जो ये इंसेक्ट बॉन्ड है, यानी ये जो डिजीज है किसके थ्रू हो रही है, ये डिजीज जो है प्लांट के अंदर इंसेक्ट के थ्रू, इंसेक्ट यानी जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं ना उनके थ्रू ये डिजीज होती है. अब अपन बात करेंगे फूड पॉइजनिंग, व्हाट इज फूड पॉइजनिंग, तो कंसप्शन ऑफ फूड इज स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रोजन, यानी कुछ माइक्रोजन क्या करते हैं हमारे फूड को स्पॉइल कर देते हैं. और अगर वो स्पॉइल फूड हम खा लें तो क्या होता है, उल्टी भी हो सकती है हमें, ठीक है, या फिर हम इलनेस भी हो सकती है, इवन डेथ भी हो सकती है. तो ये माइक्रोजन क्या करते हैं हमारे फूड को स्पॉइल कर देते हैं यानी ख़राब कर देते हैं, ठीक है. अब ये होता कैसे, ये माइक्रोजन क्या करते हैं सीधे अपने फूड पर अटैक करते हैं, फूड पे अटैक करके ये उन पर ग्रो यानी उन पर उगना चालू हो जाए, ग्रो होना चालू हो जाता है, बढ़ना चालू हो जाता है, फिर बाद में क्या करते हैं उनके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस बनाते हैं एंड दीज टॉक्सिक सब्सटेंस आर हार्मफुल फॉर अस, ठीक है. और ये टॉक्सिक सब्सटेंस क्या होते हैं हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं, ठीक है. तो अगर हमने ये फूड खा लिया तो हमें जो इवन डेथ भी हो सकती है, ठीक है, और इलनेस भी हो सकती है. तो ये होता है फूड पॉइजनिंग. नेक्स्ट अवर टॉपिक इज फूड प्रिजर्वेशन. नाउ हाउ कैन वी अवर फूड प्रिवेंट अवर फूड बाय लॉन्ग टाइम, यानी हम लंबे समय तक अपने फूड को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, तो इसके लिए हम कुछ मेथड पढ़ेंगे. तो इसका नंबर वन मेथड है केमिकल मेथड. इन केमिकल मेथड वी यूज़ प्रिजर्वेटिव्स, यानी केमिकल मेथड के अंदर हम कुछ प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ करते हैं. तो सम एग्जांपल आर सोडियम बेंजोएट है एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, यानी ये केमिकल्स क्या करते हैं हमारे फूड को स्पॉइल होने से बचाते हैं. इसी तरह से नंबर टू प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट. अब कॉमन सॉल्ट के थ्रू हम कैसे उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, इसका मैंने एग्जांपल दिया था आंवला रॉ मैंगोस, ठीक है, यानी आंवला और रॉ मैंगोस के अंदर अगर हम नमक डाल के स्टोर करेंगे, सॉल्ट डाल के, तो भी वो इससे ख़राब नहीं होंगे. नंबर थर्ड प्रिजर्वेटिव्स बाय शुगर. अब शुगर के थ्रू हम उसको प्रिजर्व कैसे करेंगे, तो इसका एग्जाम्पल जैम्स या जेली, यानी जैम्स और जेली इसको जो है स्पॉइल होने से रोकने, क्या करते हैं उनमें शुगर ज़्यादा डाल देते हैं जिससे वो स्पॉइल नहीं हो. नंबर फोर बाई ऑयल एंड विनेगर. अब अपन जो ऑयल और विनेगर से प्रोटेक्ट, फॉर एग्जांपल जैसे अपने मम्मी वगैरह पिकल्स यानी अचार वगैरह डालते हैं, अब उसमें अचार में अगर तेल कम हो जाए तो आपको उसे पता है ऊपर फंजाई या फफूंद आना चालू हो जाती है. तो अपन उसको प्रिजर्वेटिव करने के लिए क्या करते हैं, ऑयल डालते हैं, तेल ही डालते हैं ना, तो तेल डालते हैं क्या होता है वो प्रिजर्व हो जाता. तो इसका एग्जाम्पल मैंने जैसे वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, फिश है एंड मीट है, तो इन सभी को अपन जो है ऑयल वगैरह या विनेगर वगैरह से अपन को क्या कर सकते हैं प्रिजर्व कर सकते हैं. फिर नंबर फाइव हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, यानी हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट. हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट में एग्जाम्पल जैसे अपन कोई पानी पी रहे हो जो साफ नहीं, तो अपन उसको अगर बॉईल करेंगे तो क्या होगा, बॉईल करने से उसके अंदर जो माइक्रो वो सारे मर जाएंगे और फिर वो अपन वाटर पी सकते हैं, तो ये होगा हीट ट्रीटमेंट. या फिर कोल्ड ट्रीटमेंट की बात करें, जैसे अपने घर में जो फूड को स्पॉइल होने से रोकने अपन क्या करते हैं नॉर्मली फ्रिज का यूज़ करते हैं, फ्रिज में अपन उस फूड को रख देते हैं और दूसरे दिन फिर खा सकते हैं, तो ये जो है फ्रिज क्या कर रहा है वो उसको कोल्ड ट्रीटमेंट दे रहा है, ठीक है. इसी तरह का आप एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे, जैसे अपन बात करेंगे पास्चुराइजेशन, जिसको डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट लुइस पास्चर ने. अब पास्चुराइजेशन होता क्या है, इसमें जो मिल्क को है 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है बॉईल किया जाता है 32-35 सेकंड के लिए, ठीक है, और उसके बाद उसको वापस जो है ठंडा करके, यानी ठंडा करके वापस उसको चिल्ड किया जाता है. तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है पास्चुराइजेशन, ठीक है. नेक्स्ट लास्ट टॉपिक इज लास्ट पॉइंट इज सिक्स स्टोरेज एंड पैकिंग. अब अपन जो है स्टोरेज और पैकिंग के थ्रू भी अपन जो है फूड को लंबे समय तक जो है स्टोर कर सकते हैं. जैसे अपन फ्रूट्स ले ले या वेजिटेबल, इनको अपन क्या करते हैं एयर टाइट कंटेनर, ठीक है, एयर टाइट कंटेनर में अगर बंद करके रखें तो अपन उसको ज़्यादा देर या ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, ठीक है.
तो ये अपना लास्ट टॉपिक इज एंड.